द प्रोडक्टिविटी कमिशन का कहना है कि न्यूजीलैंड इमीग्रेशन विभाग वालों नवी इमीग्रेशन स्कीम नूं लोकां सामने लियाउणा जिस तहत प्रवासी कर्मचारियों नूं इक्को मालक नाल संबंधित रख्या जाएगा यह सरासर पैसे दे अते समय की बर्बादी है अते इस ते सरकार नूं समय नाल पछतावा भी हाथ लगेगा। कमिशन ने यह भी मांग की है कि इस प्रैक्टिस नूं रोकिया जाना चाहिए। ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट लॉ सोसाइटी के स्टीवर्ट डेली जो इमीग्रेशन रिफ्यूजी लॉ कमेटी के चेयरपर्सन भी ने उन्होंनुसार सरकार की नवी वर्क वीजा स्कीम एक बहुत वड्डी गलती है क्योंकि ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट लॉ सोसाइटी वालों लगातार इस गल ते जोर दिता जा रहा है कि इस योजना नाल कर्मचारियों के शोषण दियां घटनावां ही वधणगियां। ना सिर्फ ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट लॉ सोसाइटी बल्कि प्रोडक्टिविटी कमिशन का भी यही कहना है कि इस नाल प्रवासी कर्मचारियों की लुट खसुट ही वधेगी जो कि चिंता का विषय है और सरकार को एक्रीडेटेड एम्पलॉयर वर्क वीजा योजना से पछताना पवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट NZ पंजाबी न्यूज़।